करण बंद करो, रेल को निजी हाथों में देना। मैं बिंदवासनी यादव, शाखा मंत्री, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन वाराणसी। किसने विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे आप? निजीकरण और प्राइवेटीकरण जो रेल का हो रहा है और कर्मचारियों को आउटसोर्स किया जा रहा है, और करीब पेपर के माध्यम से सूचना मिली है कि कई लाख कर्मचारियों की छटनी करने का प्लान रेलवे बना रहा है, और कई प्रोडक्शन यूनिटों को निजीकरण करने की बात पहले से चल रही है। इसी क्रम में महामंत्री NFIR ने पूरे भारतीय रेलवे में जो NFIR से एफिलेटेड यूनियन है, सबको आह्वान किया है कि सारे लोग जो है 9 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक हमारी यूनियन है, उसी क्रम में नॉर्दर्न रेलवे में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन है, हम लोगों को निर्देश है कि आप सभी जो है निजीकरण, निगमीकरण, पुरानी पेंशन स्कीम और ये जो छटनी चल रही है रेलवे में कर्मचारियों की, और इसमें जो है हम लोगों को निर्देश है कि आप लोग विरोध प्रदर्शन अपना करके दर्ज कराएं। उसी क्रम में हम सभी यहां वाराणसी स्टेशन पर एकत्रित हुए हैं। विरोध चालू है, उसके बाद भी निजीकरण रुक नहीं रहा है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार रेल मंत्री से और CRB से भारत सरकार के पास अपना जो है विरोध दर्ज करा रहा है। अगर भारत हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम लोग जो है आगे जो निर्देश होगा, अगर जैसा भी निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे, और चक्का जाम करने की भी बात आएगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पूरा प्रश्न दीजिएगा। मैं चंद्रशेखर यादव, केंद्रीय अध्यक्ष यूथ विंग यूआरएम का हूँ, प्लस यहाँ पर शाखा अध्यक्ष भी हूँ। किसके विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे आप? विरोध हम इसलिए कर रहे हैं, हम सभी कर्मचारी यहाँ एकजुट हैं इसलिए कि हम बेचे जा रहे हैं। हम जो है हम सभी रेल कर्मचारी बेचे जा रहे हैं। अब खरीदार कौन है? उद्योगपति, और वो लोग सरकार के चेले चमचे हैं। और बेचने का तरीका ये है, यहाँ सारे पुलिस हमारे साथ इसलिए नहीं आ रही है, ये खुद इनके पास संगठन नहीं है, ये खुद इनका सारा पावर छीना जा रहा है धीरे धीरे। अभी लागू किया जा रहा है कि पुलिस के भी पावर सीज होंगे, बहुत से कार्य इनको इनसे छीना जाएगा, प्राइवेट एजेंसी को दिया जाएगा। हर कोई ऐसा एक बंदा बता दीजिए जो प्रभावित ना हो आपकी नीतियों से, सरकार की नीतियों से। आप कहते हैं मैं निजीकरण करूंगा, ये बिल्डिंग आपने नहीं बनाई, आपके बाप दादा ने नहीं बनाई है, हमारे खून पैसे के पैसे से बनी है, हमारे कमाई से बनी है ये बिल्डिंग, और आप बेचने वाले हैं। आपने क्या किया, ये प्लास्टिक का ये लगा दिया, वो पोस्टर लगा दिया है, वो फोटो चिपका के टंकी हमने बनवाई है, और आप आए सरकार में और वो पोस्टर लगाकर आप हमको बेचने की बात करते हैं। सर में भी चाहिए, ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए। कैसे आप सरकार जाने के बाद आप देश में कैसे मुंह दिखाएंगे कि बिल्डिंग हमारे पैसे से बनी और आपने अडानी अंबानी को बेच दिया। हम निजीकरण हो रहे हैं, हम युवा जो है नए आएंगे वो नौकरी कहाँ पाएंगे? प्राइवेट, अभी कोरोना आया, रेल कर्मचारी हमने माल कोयला ढोया, अनाज ढोया, दूना चार गुना के स्पीड में धोया, प्राइवेट वाले भाग खड़े हुए। पुलिस की बात ले लीजिए, अगर पुलिस सरकारी नहीं होती क्या ये कोरोना में आपके चौराहे पर खड़ी होती, हमें आपको नियंत्रित करती? नहीं करती। आज ये सरकार के हैं इसलिए इनकी मजबूरी है, ये खड़े हैं। प्राइवेट हाथों में ये भी चले जाएंगे, ये भी भाग खड़े होंगे कि नौकरी भाड़ में जाए। लेकिन ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, हम देश के, उत्तर प्रदेश के, नॉर्दर्न जोन के रेल कर्मचारी और सारे युवाओं से एक अपील करते हैं कि आप आगे आइए, नहीं तो आपका भविष्य चौपट होगा। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि बाप, आपके समय तो रेल थी, आपके समय तो पुलिस विभाग था, आपके समय तो ये था, आप कैसे बिकने दिए? आप सो रहे थे? तो मैं गर्व से कहूँगा कि मैंने आवाज़ उठाई थी। इसीलिए सभी युवाओं से अपील है कि आप सब बाहर आइए, नहीं तो हम सब बेचे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आज रेल बिक रहा है, पुलिस की भी लाइन लग गई है, पुलिस ने लोगों से पूछी है, उनको भी अधिकार छीना जा रहा है। चंद्रशेखर यादव।